हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बीएड की प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बीएड की जो प्रैक्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये प्रैक्टिकल कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको लिखने हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक सैम्पल फाइल दिखा रही हूँ, ये देख कर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल कैसे बनानी है। सबसे पहले इंडेक्स बनाना है, तो आप देख सकते हो कि इंडेक्स कैसे बनाते हैं। सीरियल नंबर लिखना है, टॉपिक के नेम लिखने हैं, पेज नंबर लिखने हैं और सिग्नेचर, इस तरह से आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले सेल्फ के बारे में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इधर पिक्चर भी पेस्ट की हुई है। सेल्फ कंसेप्ट, अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर भी अपनी फाइल में जरूर लगानी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, सेल्फ आइडेंटिटी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नीड्स, थ्योरीज लिखी हुई है, सोशल कैटेगराइजेशन, सोशल आइडेंटिफिकेशन, सोशल कंपैरिजन,
नेक्स्ट एरिक इरेक्सन की थ्योरी लिखी हुई है। एरिक इरेक्सन ने 8 स्टेजेस के बारे में बताया है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी वर्सेज शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेज कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, इंटीग्रेटिव वर्सेज डिस्पेयर, इन स्टेजेस को डिफाइन किया गया है। इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस लिखी हुई है। नेक्स्ट सेल्फ स्टीम के बारे में बताया हुआ है। सेल्फ स्टीम का मीनिंग, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ स्टीम, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ स्टीम, पर्सनैलिटी का मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स का पर्सनैलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, बायोलॉजिकल और हेरिडिटी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स, डायनेमिक अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी, फैटल ट्रेट थ्योरी। सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस,
बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल कंस्ट्रक्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल कंस्ट्रक्ट, कम्युनिकेशन स्किल, कंट्रोल, मीनिंग ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल, स्ट्रेस, स्ट्रेस का मीनिंग, डेफिनेशन, टेक्निक्स, स्ट्रेस के क्या क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, लास्ट में कंक्लूजन लिखा हुआ है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। आप फाइल बनाने के लिए इस सैंपल फाइल की हेल्प ले सकते हैं। यदि अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching my video.